जो है अगर बाहर आए हैं तो हम लोग एकदम देसी होगा। ये देखें, ये हाथ से गाजर काटी जा रही है, छीली जा रही है छुरी से, और ये मामी हमारी हाथ से गाजर किस रही है बेचारी। हम लोग चूल्हे पे अब खाना बनाएंगे, उधर चूल्हा सब रेडी है, तो मामा खड़े बंसी लेके वो अभी मछली पकड़े हैं खूब सारी, फिर हम हो सकता है ताज़ी मछली भून भून के खाएं इंशाल्लाह। ये पूरी वीडियो बना लिया यार मामा की बंसी मारते हुए। पापा जी आप क्या बना रहे हैं? ये बिरयानी की तैयारी कर रहा हूँ मैं, चावल बन रहा है, एक हफ्सा राइस होता है, स्पेशल सऊदी अरब का होता है ये जी, बहुत ही स्पेशल, इसमें थोड़ा सा स्वीट भी मिक्स होता है, और ये आपको कहीं इंडिया में खाने को नहीं मिलेगा। अच्छा, सिर्फ कमर आलम के पास ही मिलेगा खाना। अच्छा, ये आपकी स्पेशल डिश है मतलब, तो आप कैसे बनाते हैं क्या हमें सिखाएंगे? नहीं बता नहीं सकते साहब आपको। अच्छा, हम बिल्कुल इसको ऑनलाइन शो नहीं कर सकते किसी का। ये आपकी सीक्रेट रेसिपी मतलब? हाँ ओके, टाइमली बना दो। ये फॉइल लेने जा रहे हैं, अब जा रही है मेन चीज, मेन चीज अपन की। अगर वो ना हो तो फिर चीजें मन चलेगा। ये हमारे आलम सर रखना है उसमें बारबेक्यू, कॉल बारबेक्यू स्मोकी बारबेक्यू, स्मोक्ड बारबेक्यू। अभी इसको दो घंटे पकने देना है, दो घंटे। यस, ये हमारे आलम सर रखना है उसमें बारबेक्यू, कॉल बारबेक्यू बारबेक्यू स्मोकी बारबेक्यू स्मोक्ड बारबेक्यू। अभी इसको दो घंटे पकने देना है, दो घंटे। यस, तो कमर आलम जी फिर आपने इसमें अपने सारे स्पेशल मसाले डाल दिए? अभी 50% मसाले इसमें डल चुके हैं, 50% मसाले इसमें बाकी हैं। अच्छा, तो क्या इसको चूल्हे पर पकाने से टेस्ट बढ़ेगा कि कम होगा? ये सिर्फ चूल्हे पे ही बनता है, इसको आप गैस पे नहीं बना सकते। अच्छा, क्योंकि इसको अंगारों का दम लगना जरूरी है, चारों तरफ से इसको अंगारों से हम घेर देंगे। अच्छा, फिर उसके अंदर जो दम से जो चावल उठेगा जी यूं आ जाएगा। अच्छा, पहाड़ की तरह जैसे ये हरे हरे पहाड़ है वैसे सब उठ के आ जाएगा जी। हाँ भैया, अब आदान भाई मार रहे हैं पत्थर, मारो आदान। ये तीन मेरा मेरा। अब इस्माइल की बारी, इन्होंने यही डुबा दिया। देखें ना, क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं मेरा, मैं क्या कहूँ। हाँ, ये अली साहब आ रहे भी हकते हुए। ये अरूप की बारी, आप कोई नहीं, सब बेकार। तो जी कमर आलम जी आपने इसमें अब चावल डाल दिए, क्या आपकी रेसिपी कंप्लीट हो गई है इसमें? अभी रेसिपी कंप्लीट नहीं हुई, पत्थर डालेगा अभी डाइजेशन के लिए, तगड़ा पत्थर है, कम से कम एक घंटा और लगेगा। अच्छा, अभी इसमें आपके और स्पेशल मसाले बचे? स्पेशल मसाले बचे। अच्छा, लेकिन ये देख माशाल्लाह खूब बहुत खूबसूरत रहा है। तो इस रेसिपी को आप कुछ नाम देना चाहेंगे? ये हफ्सा राइस के नाम से है सऊदी अरब। अच्छा, तो ये सिर्फ आपको स्पेशल रेसिपी पता है यहाँ पे बनाने की? जी, सऊदी अरब में बनते हैं खप्सा राइस। ओके, हमारी छोटी बहन अरूप ने ये मछली पकड़ ली, ये 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 पकड़ ली। अब आज हमारे साथ एक बहुत बड़े फिशरमैन मछुआरे मामा, इनने बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ पकड़ी हैं अपने टाइम पे जवानी में। तो मामा आप हमें क्या टिप्स देना चाहेंगे मछली पकड़ने के लिए? अरे बेटा, यहाँ पर तो वैसे ऐसा है कि सब सामान भूल आए अपन, जो ओरिजिनल सामान अपन को भी फिशिंग के लिए चाहिए। जी, आपने एक बार एक 18 किलो की मछली पकड़ी थी, उसका एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत बढ़िया, जद्दा में पकड़ी थी शिप पे। ये बहुत जो है ना खतरनाक शिकारी भी हैं। अभी हमने इसको बहुत ही अलग टेक्निक से पलटा, हम उसकी वीडियो नहीं बना पाए, हम एक साइड से पलट चुके हैं, हम इसको पलट के हम दूसरी साइड से सेक रहे हैं। ये भी मिस्टर कमर आलम की स्पेशल रेसिपी से बन रहा है, मैंने हाथ से पलटा है। और वो राइस, और मेरे से क्या हुआ कि जब मैं पलटा था ना तो थोड़ा ठंडा लग रहा था, तो वो जो बड़ा वाला कोयला ना मैंने यूँ हाथ में उठा लिया, फिर थोड़ी गर्मी आई तब मैंने उसको पलटा। मैंने हाथ से पलट दिया एकदम, गर्म तेल में डाल देता हूँ। वही तो, ये देखो
एकदम जो है हीट पे आ गया है और हम लोग इसको हम लोग कवर कर रहे हैं, अभी स्टीम में पकेगा ये। गोल्स तो दोनों कपल जो हैं, यंग कपल जवान, ये मछली पकड़ते हुए आ रहे हैं। मैं वीडियो फोटो खींच रहा हूं। अमर आलम की स्पेशल रेसिपी का लास्ट तड़का, ये जाफरान है, ये 250 ग्राम जाफरान है, सऊदी अरब का ओरिजिनल जाफरान है, ये इस तरह से चावल पे डाल दिया जाएगा। ये देसी घी के अंदर ये जाफरान है, गाय के शुद्ध घी के अंदर। ये स्पेशल मिस्टर कमल आलम की रेसिपी है। ओरिजिनल जाफरान यार, क्या कलर आया है। और जाफरान के साथ दूसरे ड्राई फ्रूट भी है इसके अंदर, काजू, पिस्ता, बादाम, ये सारे ड्राई फ्रूट्स के साथ इसको मिक्स करके जी चावल में से मिक्स कर दिया है। ओफो वज़ाब। ये देखिए अब मोमेंट ऑफ ट्रूथ, जिस चीज का इंतजार था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुझे इधर ही आ जाओ, अपन चारों इधर हैं। ये बेहतरीन। चलो चलो मेमुना को लग दे दो। ओफो जूसी जूसी हो गए मेमुना के लिए। जूसी रान सॉल्ट पे प्यारे नहीं होगा। ये देखिए आप माम पर हटाइए। ये माशाल्लाह, अब ये ऐसे खाया जाएगा। अब इसी में से काट काट के देते हैं। हम लोगों ने मंदी बनाई थी और सऊदी को बनाया था। कमर भाई ये वाला दे दो, ये वाला। ए जी लो ना, आप क्या बोल रहे थे? एक मिनट रुक जा। हाँ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ए मेरे अल्लाह, हजम कर देना हम लोगों को। ना मुझे बोटी काट दिया। हाँ मेरे बच्चे, मजा आया, बहुत ज्यादा मजा आया। अदान आरेल देख लो बेटा। मैं मेरे जा करना। ये भी एक दो है भाई, तीन है। वाह माशाल्लाह, बहुत बन रही है। हां बन रही है ना, वीडियो बन रही है। बेफिक्र रहो, खा रही हो आप। ब्लॉग में डाल दूंगा। साग साग बैठे हुए। अरे भैया मैं तो खुश हूं। अरे भाई ये क्या कर रहे हो आप, ये क्या कर दिया? अरे यार भाई वो क्या हुआ कि वो मैं यहाँ से आ रहा था, एकदम मेरा पैर स्लिप किया तो मैंने यूं सपोर्ट मार दिया, वो सपोर्ट मारा तो साला पेड़ ही कट गया पूरा यार। ये भैया इतनी ताकत लग जाएगी मुझसे, ये बहुत ज्यादा। ओके गाइस, बहुत मस्ती कर ली, नहा भी लिए और अब हम जा रहे हैं घर वापस। मिलते हैं अगले व्लॉग में।